हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीके ट्रिक्स विद प्रणव। तो जैसे आपने हेडिंग में देखा होगा कि आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड 2020 का जो रिक्रूटमेंट है उसका रिजल्ट आ चुका है। डिस्प्ले ऑफ रोल नंबर्स ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, मतलब जो भी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। अब देखिए उनको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, इन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना होगा। जो भी सिलेक्टेड हुए हैं उसमें क्या क्या मैंशन है, देखिए। इन दिस कनेक्शन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ प्रोफॉर्मा एज मेंशन बिलो, मतलब उन कैंडिडेट को कौन से डॉक्यूमेंट अब जरूरी होगी क्योंकि वो शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं। तो देखिए, 6 कॉपीज ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म ऑल इन ओरिजिनल एंड 2 कॉपीज ऑफ बायोडाटा फॉर्म। तो वो जो अटेस्टेशन फॉर्म है और बायोडाटा फॉर्म है, देखिए दोनों ब्लू कलर के लिंक में दिए, मतलब हाइपर लिंक में दिए है। आप वहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म भी और बायोडाटा फॉर्म भी। सेकेंड पॉइंट है सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग इन ओरिजिनल एज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड इन एनेक्स्टर 2। तो एनेक्स्टर 2 में जो भी सर्टिफिकेट्स है तो वो भी आपको प्रोवाइड करने होंगे जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए। सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग इन एनेक्स्टर 2। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है, अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल बिफोर अपेयरिंग फिजिकल टेस्ट। तो सिक्योरिटी गार्ड का जो भी फिजिकल टेस्ट होने वाला है तो उसके लिए जो अंडरटेकिंग है वो एनेक्स्टर 4 में दिया है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखिए, ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट टू अंडरगो फिजिकल टेस्ट। तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो एनेक्स्टर 5 में दिया गया है, उसके जो डिटेल्स है वो एनेक्स्टर 5 में दिए गए हैं। फिफ्थ देखिए, ओबीसी डिक्लेरेशन इन ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ लेटेस्ट ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो भी ओबीसी का लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा उसका लेटेस्ट फॉर्मेट में। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर का है अ कॉपी ऑफ लेटेस्ट SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट SC/ST कैंडिडेट। और लास्ट है 7 नंबर का पॉइंट देखिए, अ कॉपी ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये भी आपको प्रोवाइड करना होगा डेटेड ऑन January 31, 2019 के अनुसार। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने होंगे जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं उनके लिए। नेक्स्ट देखिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप फोर्थ पॉइंट देख सकते हैं जो बोल्ड में लिखा है, तो द कॉल लेटर्स फॉर फिजिकल टेस्ट, जो फिजिकल टेस्ट आपके होने वाले उसके लिए जो कॉल लेटर मतलब हॉल टिकट आएंगे शॉल बी मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम अवर वेबसाइट, मतलब जो RBI की वेबसाइट है RBI.org.in, इस पर आपको डाउनलोड करते आएंगे और RBI इसके बारे में आपको नोटिस भी देगा। प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइस टू चेक वेबसाइट रेगुलेटरी, मतलब जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं RBI के सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के लिए, जिनकी फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए तो उन्होंने अब वेबसाइट रेगुलरली विजिट करना है क्योंकि उनका एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो भी लिस्ट है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उस पर जाना है आपको और रोल नंबर्स आपको चेक करने हैं। आपके जो भी रोल नंबर्स से सिक्योरिटी गार्ड के जो पहली एग्जाम हुई थी तो वो रोल नंबर्स आप चेक कर सकते हैं। और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन और अपनी फिजिकल टेस्ट की आप तैयारी चालू कर दीजिए। और जो RBI अटेंडेंट के स्टूडेंट है RBI ऑफिस अटेंडेंट, तो उनको भी LPT का प्रिपरेशन चालू कर देना है क्योंकि उनके भी रिजल्ट जल्दी ही आने वाले हैं। स्टडी करते रहिए। थैंक यू।